हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, कल का ब्लॉग एंड हुआ, उसी समय मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है। तो आज मैं शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया है। कुछ ईयर रिंग्स वगैरह भी लिए हैं। होता क्या है, मार्केट जब जाती हूँ बिल्कुल सोच के नहीं जाती हूँ कि चीज़ लेना है, लेकिन नज़र पड़ते ही पसंद आ जाता है। इतना तो ईयर रिंग्स अभी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, पहन भी नहीं रही हूँ, लेकिन दिसंबर में एक बहन की शादी है कज़न की, और ये पटना से ही है, तो देखती हूँ अगर वहाँ गई तो फिर गाउन बनाना होगा। तो अच्छा अच्छा लिया है। सबसे पहले तो ये जल्दी जल्दी में मैंने लिया है। अभी ऑनलाइन मैं शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि करती तो शेयर करती। ये ब्लू हेवन का मैंने काजल लिया है, और ये नेल पॉलिश रिमूवर लिया है, और ये मैं मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि मम्मी लोग का क्या आदत होता है, आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग की मम्मी का यही सब आदत है क्या, नेल पेंट रिमूव नहीं करेगी, उसी पर नेल पेंट को चढ़ा लेगी। तो ये मम्मी को मैंने कहा है। मम्मी बोली उतना झमेला कौन करता है, कॉटन लो उसमें नेल पॉलिश रिमूवर लो फिर इरेज करो, उतना हम लोग नहीं करते हैं। ये मैंने मम्मी के लिए ख़रीदा है। ये 30 रुपये का आया है, पता नहीं इसमें कितना पीस है, इसमें लिखा होगा, लेकिन मैं इतनी व्यस्त हूँ मुझे ये सब पढ़ने का भी समय नहीं है। ये दो चीज़ लिया है, और ये मैंने कल नहीं लिया था, यानी कि इसको मैंने ये सोमवार को ही शूट हो रहा है, तो ये वीडियो आपको मंगल को मिल जाएगा, लेकिन लिया है इसको संडे को, कुछ लिया है शनिवार को, कुछ लिया है शुक्रवार को, बहुत मिला जुला सामान। ये सारा आप देखेंगे, ये चूँकि मैंने हेयर कट करवा लिया है, तो ऊपर उठाकर मेरी सास को वो पसंद नहीं है कि आप ऊपर सेमेट के बांधिए, उनको पूरा पसंद है आप इसे बाल गिरा के पूरा लाल सिंदूर भर के ऐसे रखिए, पूरा हाथ भर भर के चूड़ी लेटी पहनिए। तो अब तक उनका मैंने दिल नहीं दुखाया, अब तक उनकी सारी बातें माने मैंने, तो अब तो मानना ही मानना है। तो ये सारा लिया है जो मम्मी को मैंने कहा है, जो पौनी बनाते हैं, तो मम्मी को कहा है मम्मी तुम भी कुछ ले लेना। तो ये रबड़ लिया है, और अब मैं आपको ईयर रिंग्स दिखाऊंगी। तीज के आसपास भी लिया था, आज भी लिया है। ईयर रिंग्स मैं बहुत देर से आराम आराम से सेलेक्ट करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इसमें आप लोगों ने कुछ देखा है, ये देखिएगा, ये मैंने कल लिया है, गोल्डन और पिंक और वाइट, इसमें 3 कलर मिलता है, तो मैंने गोल्डन ही लिया है, क्योंकि गोल्डन लगभग सब पे चल जाता है। ये इस तरह से है गोल्डन, ये देखूँ बहुत ही प्यारा है, कभी मैं पहनूँगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं साथ साथ लगे हाथ रखते ही जा रही हूँ, रखते भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। ये देखिए एक ये वाला देखिए, ये गाउन वगैरह पे जिस पे आपको पहनने का मन है, ये देखिए, ये ऑनलाइन इस तरह का 350 में दिखा रहा था, लेकिन ऑफलाइन कम कपड़ा है, 280 कहा जा रहा था और 250 में दिया है, और ये ग्रे है, ग्रे कलर है। आप लोगों को कैसा दिख रहा है, काफ़ी प्यारा है ये इसका लुक। एक ये हो गया, बताइएगा कैसा। मुझे इन सब चीज़ों की बहुत शौक़ है, इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है, और ससुराल में तो ये सब नहीं पहनता, क्यों, मेरी सास को सोना वाना पसंद है, लेकिन मेरे देवर बोलते हैं नहीं भाभी आप पहनिए, तो ऐसे मेरे हस्बैंड को भी ये सब पसंद है। ये देखिए, ये मैंने पिंक में लिया है, इसमें भी 3 कलर था, इसमें 2 था, एक गोल्डन था और एक ये पिंक था। तो आप बताइएगा ये कैसा आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट सीधा इस पर पड़ रही है, तो ये देखेंगे इस तरह से पिंक है, ये भी बहुत ही प्यारा है, ये भी लगभग उसी के रेंज का है, 200-250 के रेंज का है ये वाला। एक ये देखिए, ये हैवी, मुझे ये काफ़ी पसंद है, और इसको बहुत ही अच्छे से मैं कॉटन में करके रखी हूँ, उसको 2-3 बार मैंने वियर किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका लाइट वेट है, जब मैं देख रही थी मुझे लग रहा था इतना भारी है, लेकिन इसका लाइट वेट है, तो मुझे ये पसंद आया। और ये भी 250, मुझे लगता है सब 250 के रेंज का है, कुछ 280 का है, कुछ 280 का है, लगभग 250 के रेंज का। ये देखें, ये वाला है इस टाइप का, मुझे ये रंग काफ़ी पसंद है, और जो मुझे पसंद होता है वो मैं ले लेती हूँ। और भी आगे मैं अभी लेगिंग्स दिखाऊंगी, लेगिंग्स नहीं है वो नैरो प्लाजो है, उसमें मैं आपको कुछ आइडिया दूंगी। और एक ये सेट है, ये पूरा सेट है, ये ईयर रिंग है और ये लॉकेट वाला है, तो जब मैं कभी ईयर रिंग कलेक्शन शेयर करूँगी इसमें दिखाऊँगी। और एक और भी है, इसको पहनकर मैंने फेसबुक पर फोटो डाला है, थोड़ा हैवी है ये भी, ये देखिए ये वाइट है, इस तरह से मैं, तो ये सारा 2-3 दिन में मैंने लिया है। एक जो मैंने बड़ा वाला दिखाया वो कुछ दिन पहले लिया है, और ये वाला भी कुछ दिन पहले लिया है, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो ये ईयर रिंग्स हैं, इसमें भी मैं एक डब्बे में मैं सारा अरेंज करके रखती हूँ, जब कोई फेस्टिवल होता है, तीज वगैरह, भटार वगैरह, पूरा उथल पुथल हो जाता है, इधर से निकाल के उधर ऐसे ऐसे, फिर उसको अरेंज करने में सोचना पड़ता है कि किस दिन इसको मैं अरेंज करूँगी। लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने सारे जो कॉस्टली और इस तरह के
फैंसी है आपका ईयर वियर, तो इसको मैंने इस तरह से रखा है एक डब्बे में करके, जिससे कि मुझे बिल्कुल आसानी हो, जब भी लेना पड़े तो मैं इजीली उसको यहाँ से निकाल लूँ। ये मैंने इसको अच्छे से इसको पैक कर दिया, कॉस्मेटिक मैं साइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मैंने एक सैंडल लिया बाटा का, वो क्या है डेली वियर में भी काम चल जाएगा और सैंडल भी। बाबू का ये जो शूज लिया है यही लुक का, मैंने आप फेसबुक वगैरह पे भी देखिएगा, कुछ क्या होता है कि कुछ चीज़ें मुझे जो पसंद आती मैं बार बार वही चीज़ ढूंढती हूँ। ये बाबू के पैर में इतना फिट आया था जब बहुत छोटा था, उसी समय मैंने लिया था, ओल्ड वाला है, तो उसी लुक का मैं सोचती थी मिल जाए भगवान मिल जाए, लेकिन संजोग ऐसा था मिल गया। थोड़ा सा लूज है शॉप तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसे भी तो एक बार पहन के इसको छोड़ा नहीं जाता कि ये शूज बाबू के लिए लिया मेला वाला देखने के लिए। उसके पास स्लीपर था, लेकिन जब ढूंढने जाती हूँ तो जैसा ढूंढती हूँ वो मिलता नहीं। उसके बाद बिल्कुल एक्वालाइट का बिल्कुल न्यू है स्लीपर येलो में ही, लेकिन इस तरह का मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, तो जब ढूंढूंगी तब नहीं मिलता है। थोड़ा सा ये भी बड़ा है, इसको भी मैंने ले लिया कि फिर वो टूटेगा या छोटा हो जाएगा तो फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। एक ये स्लीपर बाबू के लिए ले लिया, शूज ले लिया, और उसके बाद फिर जो भी पटना में रहते हैं उनको चुन्नी लाल के बारे में पता होगा, चुन्नी लाल से बाबू का मैंने ये लिया है। इसके पापा को लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि ठंड गिर जाएगी दुर्गा पूजा के आसपास, तो इन्होंने फुल वियर लिया है, सारा फुल वियर लिया है। ये एक टी शर्ट फुल वियर है, ये फुल ट्राउज़र है, ये लगभग 700-670 का ये इस तरह से मिला है, डेली वियर का है, ये फुल ट्राउज़र है, काफ़ी बढ़िया है इस तरह से। और एक ये फुल ट्राउज़र है, ये भी उसी रेंज का है, 700 के आसपास का है, तो दो हो गया डेली वियर में। अगर ठंड भी गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर छोटा बच्चा है तो आप लोग भी बिल्कुल प्रिकॉशन रहिए। ये एक टी शर्ट ये लिया है कि जाने में डार्क है थोड़ा, आप लोगों को कैसा दिख रहा है पता नहीं, जान समय मतलब इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि इसीलिए मैं इतना पहले से लग जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इसमें बिल्कुल कॉशस, उनको भी लगता है ये कर नहीं पाती है, परेशान हो जाती है, और उनको ये पता है चुरा के जैसे भी हो मेरे से चुरा के छिप कर ये मशीन तो ज़रूर चलाएगी, इसीलिए वो ये सब चीज़ पहले ही करवा लेते हैं, क्योंकि फिर इन सारी चीज़ों को धुलना है, फिर आयरन करना है। तो ये भी दो मतलब दो तीन फुल टी शर्ट ले लिया है और दो तीन हाफ टी शर्ट ले लिया है, तो इसीलिए वो पहले करवा देते हैं। हमने सिंध हो गया, आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया, और अभी तुरंत मैं सारा का सारा कपड़ा, उन्होंने कहा है मेरे हस्बैंड ने कि इसको धोना मत, मैं धो के प्रेस कर दूंगा, लेकिन वो भी क्या करेंगे। आप देखिए मेरे ससुराल में 29 तारीख को इलेक्शन है भागलपुर के आसपास, तो वो कल रात में वहाँ निकल जाएंगे इलेक्शन के लिए, तो अब इतना उनके ऊपर कितना भार दें, तो मैंने सोचा है धो दूंगी, वो प्रेस करेंगे। उसके बाद इतना लेने के बाद ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था सूट सलवार, मैंने इसको सिला नहीं है, तो देखती हूँ सिल पाती हूँ या नहीं। और इस बार जो मैंने साड़ी ली है अभी अष्टमी को पहनने के लिए, पिंक कलर में लिया है, तो उसका मैंने रेडीमेड पेटीकोट नहीं था, वो बोले आप जिस दिन फॉल पिको वाला साड़ी लेने आइएगा ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास कपड़ा है, मैं देखती हूँ अगर समय मिलता है मैं इसको बना लूँगी, और नहीं बना पाई तो फिर मुझे रेडीमेड ही लेना पड़ेगा। तो ये लिया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने कुर्ती लिया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, कुर्ती और भी हैं कुर्तियाँ लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी। ये एक ग्रीन है और इसमें जो है स्लिप नहीं लगा हुआ है, साइड से है, और ये बहुत प्यारा कुर्ती है, ये देखेंगे तो ये है, एक ये कुर्ती है, मैं इसीलिए खोल के नहीं दिखा रही हूँ कि फिर मुझे वो समेटना पड़ जाएगा, सारा तो लेकर जाऊँगी नहीं। इस बार मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि सूट ही वहाँ पहनना, अब रात बात में पहन लेती थी दिन में नहीं, लेकिन इनको लग रहा है कि मम्मी बीमार है और मम्मी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो साड़ी अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, आप लोग ही समझ रहे होंगे, थोड़ा सा हैवी शरीर है तो बोलते हैं कि पूजा के समय तक साड़ी पहन लेना, उसके सूट पहन लेना। एक ये सूट लिया हुआ है, ये सिल्क वाला है, और ये सिर्फ कुर्ती ही कुर्ती है, और ये एक ब्लू डेली वियर का है, और ये सब फिटिंग मुझे करना होगा, तो ये सब कुर्ती ही कुर्ती है। ये देखेंगे, एक ये है और ये है, ये सब डेली वियर में है, तो ये सारी कुर्तियाँ आपने देखा, और भी कुर्तियाँ हैं, और वो जॉर्जेट में है, मैं सोची हूँ उसको स्कर्ट पर पहनने के लिए, अभी मैं उसको लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो गोदरेज में रखा हुआ, और आप समझ रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसीलिए। और ये कुर्ती देखिए मेरे हस्बैंड ने पसंद किया, आप लोग बताइएगा ये कैसा है, इसका ये लुक है, ये देखेंगे, ये नीचे में भी इसी तरह से है, पहनूंगी तो फिर देखिएगा, और नेक पर ये डिजाइन है, ये है, तो इतनी कुर्तियाँ ली है। और ये एक कप्तान नाइटी लिया हुआ है, कप्तान नाइटी आजकल बहुत चलते हैं,
तो ये लिया है, यही कलर उनके पास अवेलेबल था, ये और पिंक, तो मैंने यही लिया। अब देखती हूँ ये फिट भी करना होगा, कप्तान 990 तो आप लोग जानते हैं यूज किया है आप लोगों ने, तो इस तरह से लिया है, इस तरह से। और उसके बाद जो मैंने साड़ी ली है वो साड़ी जो है पिंक पे लिया है। मैं शेयर करूँ, आपने कल का वीडियो देखा होगा थोड़ा सा, कि मैं अभी लुक शेयर कर देती हूँ। उसमें दो तीन कलर था, तो एक ऑरेंज पर था, मुझे वो ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वीडियो कॉल पे इसी कलर को पसंद किया था। आप लोग बताइएगा, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं यही बॉर्डर साड़ी में भी है, पिंक में है। अभी मैं आपको साड़ी का वो दिखा दूँगी वीडियो, ये बॉर्डर साड़ी में है और ये पिंक जैकार्ड ब्लाउज है, इसका मैंने लाइनिंग भी ले लिया है। देखती हूँ अब किस तरह से ब्लाउज बना पाती हूँ, क्योंकि आज तो मंडे हो गया, अभी आपके सामने में हूँ, अगले मंडे को निकल जाना है, फ्राइडे तक मैंने सोचा है सब कुछ कंप्लीट हो जाए, थोड़ा पार्लर वगैरह भी जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल बिंदास और जिंदा दिल हो के दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना है। और उसके बाद तो जो जैसे दुख का पल आता है, तो आप समझिए कि लोग क्या करते हैं उसमें, तो इन्जॉय नहीं करते हैं, पूरी तरह से दुख में डूबे रहते हैं। उसी तरह अभी अगर वो पल नहीं है, मन में जानते हैं हम लोग किस परेशानी में हैं, लेकिन उसको जाहिर नहीं करना है, तो इसीलिए। और ये सब डेली वियर है, और ये रोज़ का ज़रूरतमंद सामान है, रोज़ का ज़रूरत। हालांकि जो अष्टमी पहनूंगी ये तो नियम है, कपड़ा मार्केटिंग होके आता है और आठ पूजा को जगाया जाता है। इस बार पूरा प्रयास करूँगी सब कुछ डिटेल से दिखाने का, घर का ब्लॉगिंग सारा कुछ, तो थोड़ा सा मुझे शर्म आती है वो सब दिखाने में, लेकिन मैं प्रयास करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। तो वो सब बिल्कुल डेली नीड का, और कुर्ती भी जो देखा आपने वो डेली जब बिल्कुल ज़रूरतमंद चीज़ है, रोज़ का है, रोज़मर्रा की चीज़ है। अब उसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा है, ये देखेंगे हर कलर में मैंने लिया है। तो ये लेगिंग्स मैं लेने गई थी, लेकिन मैंने पहले ही तय किया था अब लेगिंग्स नहीं लूँगी। लेगिंग्स के साथ समस्या क्या होता है, कमर या तो कमर आपका लूज हो जाएगा, अगर उसमें रस्सी है तो ठीक है, बीच से आपका फट जाएगा, आप मतलब रफ़ एंड टफ यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने कहके लिया है कि ये रफ़ एंड टफ उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी मैं लेगिंग से संतुष्ट हूँ। रफ़ एंड टफ तो मैं इसे भी यूज नहीं कर सकती हूँ, 350 में लायरा का लेगिंग भी आ रहा था, 350 में ये भी आ रहा था, तो एक साथ मैंने 5-6 लिया, कुछ दाम कम मिला है। और ये मैंने ट्रिपल एक्सल का लिया है, लेगिंग वगैरह या कुछ भी लीजिए तो आप अपने साइज से थोड़ा सा लूज ही लीजिए, तो इसको आप स्ट्रेट पैंट भी कह सकते हैं। ये इधर कटा हुआ, ये तो मैं बनाती भी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है ये। और इधर देखेंगे आप, ये इलास्टिक लगा, ये बैक में इलास्टिक लगा हुआ है, फ्रंट में ये बेल्ट रहता है, और साइड में ये इस तरह से चैन रहता है इस तरह से, और साइड में ये पॉकेट भी रहता है, यानी कि वेल फिनिश्ड जिसको कहते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। और ये जो कपड़ा है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है, ये इस तरह से खिंचाता भी है, आपके पैर में फिट भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक साइज लूज ही लिया है। इस तरह से ये स्ट्रेट पैंट है, इसको मैंने कई कलर में लिया है, एक ये ब्लू ले लिया, ब्लू कहिए या फिरोजी कहिए, एक ये ले लिया है, दूसरा मैंने ये कलर लिया है, ये लिया है, ये भी 3XL ही लिया है, ये देखेंगे 3XL का ही है, एक येलो नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क येलो कहिए या थोड़ा सा अलग हटके है येलो से, ये लिया है, ये भी 3XL है, एक वाइट लिया है, क्योंकि वाइट लेगिंग आप जानते हैं सब सूट पर चलता है, जब मैंने लेगिंग के को रिप्लेस किया यही ले रही हूँ, ये भी 3XL का ये देख रहे हैं ये, तो इसको लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, लेकिन इन सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने रखा था, और उसके बाद मैं इस सबको धोऊंगी, पहन के मैंने देखा था बिल्कुल ठीक आया था। एक मैंने ये ले लिया है, ग्रे कहिए इसको या क्रीम कहिए, ये भी सब पे चलता है, और ये भी 3XL ही है, तो एक ये लिया है, ये इस तरह से सबके नीचे में एक ही कट है, एक ही डिजाइन है, और एक ये लिया है, ये भी 3XL ही है, ये कलर है, इसको आप दो कलर कहिए। अभी मैं एक आइडिया शेयर करूँगी, आप लोग सोचिएगा कितना मैंने एक साथ क्यों लिया डेली वियर में, मैं बताती हूँ आपको। ये भी 3XL है, और ये अलग कलर है, इसको पीच कलर आप कह सकते हैं, ये पीच कलर का लिया है, सबका फिनिशिंग सेम है। और एक जो है ये रानी कलर का मैंने लिया है, लेकिन ये जो है 3XL में नहीं था, तो ये डबल एक्सल था, तो उन्होंने कहा कि 19-20 का फ़र्क होता है, और मैं सोच रही हूँ मैं अपने शरीर को कम भी करूँगी, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। हालांकि इस कलर का मेरे पास प्लाजो है, लेकिन मैंने ये नेरो पैंट लिया, तो ये तो डबल एक्सल है, फिर भी उन्होंने दिया है कि आप लेकर जाइए, आपको अगर फिट नहीं होता है तो ये चीज़ जो है मेरे ही पास मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आराम से इसको
रिटर्न कर दूँगी। ये 1 2 3 4 5 6 मैंने लिया है। अब आप लोग सोचिएगा आपने 6 क्यों लिया, मैं बता दूँ ये पैंट अभी स्ट्रेट पैंट इतना अभी फैशन में है कि अभी यही लोग यूज कर रहे हैं। और अगर कोई लेगिंग अगर यूज हो रहा है तो वो लेगिंग होता है जो नीचे से हाफ रहता है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगा। और जब मैं सोच कर गई थी कि मैं यूनिक कलर कुछ लूँगी, 2-3 लूँगी, जैसे कि रेड या मैरून ले लूँगी, वाइट ले लूँगी और ये ग्रे ले लूँगी और एक ग्रीन ले लूँगी, रानी कलर का प्लाजो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जैसे मैंने चप्पल के बारे में भी बताया, जब आप लेने जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर मुझे कुछ दिन बाद उतनी कुर्तियाँ ली हूँ तो किसी ना किसी पे सेट आएगा, रखा रहेगा, डेली वियर में तो इसको यूज करना नहीं है। इसीलिए मुझे जो जो समझ में आया, जो जो यूनिक कलर था, मैंने सबको ले लिया है। तो ये सभी तो दुर्गा पूजा का आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं ससुराल में नहीं पहनूंगी। 1-2 अगर पहन के कहीं जाती हूँ, सूट पहन के आती हूँ, सूट पहन के वहाँ से मार्केट गई तो सूट पहन के, क्योंकि जब हस्बैंड घर में साड़ी पहनना पसंद नहीं करते हैं तो मार्केट तो लेके ही नहीं जाएंगे, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और ये ब्लाउज मैंने दिखाया, अभी सबसे पहला काम है मेरा, आपसे बात करना बंद देते होगा, मैं ब्लाउज में लगूंगी। और तो ये फाइनली शॉपिंग था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो लगातार आते रहेंगे, 1-2 दिन लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।